नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं ये जन्म कुंडली एक बालक की है मैं जन्म की तारीख आपको नोट करा देता हूं यह कुंडली अध्ययन करने योग्य है इस जन्म कुंडली से बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है वर्तमान परिवेश में जिस तरह की परिस्थिति से बालक जूझ रहे हैं उसके लिए ये कुंडली बहुत सही है और जितने भी मेरे ज्योतिष प्रेमी दर्शक हैं जो जन्म कुंडली अध्ययन में रुचि रखते हैं उनके लिए आज की जन्म कुंडली विशेष रूप से ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाली है जन्म की तारीख नोट करिए 24 मार्च 2011 और जन्म का समय प्रातः सात बज करके उनसठ मिनट फिफ्टी नाइन और जन्म का जो स्थान है वो दिल्ली है मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराऊं तो गुरुवार के दिन इस बालक ने जन्म लिया चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में ब्राह्मण वर्ण देवगण वृश्चिक राशि ये जल तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशि होते हैं आइए इस बालक की कुंडली पर मेष लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं राशि की पृश्चिक यानी पूरी तरह से मंगल से प्रभावित केंद्र के चारों घरों को देखिए केंद्र के चारों घर आपको खाली दिखाई पड़ेंगे लग्नपति लाभ भाव में बैठे हैं फल बारहवें का दे रहे हैं बारहवें में अगर देखें तो बुध गुरु और सूर्य आपको दिखाई पड़ेंगे चलित जाकर के आप देखते हैं तो एक और बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा ये जो बुद्ध है जो बारहवें में दिख रहा है वो लग्न का ही फल दे रहा है और बाकी के सभी ग्रहों की बात करूं तो लगभग राहु नवम का ही फल दे रहे हैं चंद्रमा चलित में यथावत शनि यथावत बाकी सारे ग्रह यथावत हैं तो अब कुल मिलाकर के जो ग्रह स्थिति इस बच्चे की कुंडली की बन रही है वो आप समझ गए इस पूरी कुंडली से संबंधित परेशानी क्या है इस कुंडली से संबंधित परेशानी है हाइपर एक्टिव अटेंशन डिसऑर्डर और पता नहीं अंग्रेजी में और कौन कौन से रोग प्रिय दर्शकों विदेशों में मैं इस बात को पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि विदेश से जब लोग जब अपने बच्चों की कुंडली दिखाते हैं तो वो कम से कम दो तीन रोग अवश्य वहाँ बच्चों में पाए पाते में, मैंने पाया है एक उनका बढ़ती उम्र के साथ भी न बोल पाना दूसरा ये हाइपर एक्टिव और अटेंशन डिसऑर्डर वगैरह पता नहीं डिस्लैक्सिया वगैरह कई तरह के रोग आजकल बच्चों में हो गए हैं एक बड़ा गंभीर प्रश्न है क्या ये रोग पहले भी होते थे या अभी एकाएक आ गए हैं वैसे तो सामान्यतया जवाब यही है कि शायद ये रोग पहले भी होते थे परंतु होता ये था कि दो चार पांच बच्चे थे घर में अब दो चार पांच बच्चे थे तो उसमें चार बच्चे बहुत तेज होते थे एक थोड़ा सुस्त था या दो चार बच्चों में एक दो, दो तीन ठीक होते थे एक बहुत हाइपर क्रोधी था तो उसमें मिलजुल करके चल जाता था यहां ये रोग आजकल भयावह रूप ले रहा है कैसा रूप ले रहा है भयावह क्यों अब असल में क्या है कि बच्चे एक ज़्यादा से ज्यादा हर घर में एक या दो बच्चे हैं अब उसमें भी अगर पहला बच्चा किसी को हाइपर एक्टिव हो गया तो पहले बच्चे में ही वो पूरी तरह से व्यस्त है दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है अब चूंकि हर किसी का ध्यान उस पर हर मजबूरी भी है जिस घर में एक बच्चा है वो हु पता नहीं कितने मिन्नतों के बाद हुआ है तो सबका ध्यान उसी पर है अब वो बच्चा एक्टिव था लेकिन लोगों के बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा इस बात को पहले वो बच्चा एक्टिव था हाइपर नहीं था एक्टिव था परंतु अत्यधिक ध्यान देने के कारण चूंकि एक ही बच्चा था और ध्यान भी सिर्फ उसकी जरूरतों का क्योंकि सबको अपने अपने में तो व्यस्त ही है वो हाइपर हो गया डॉक्टरों ने कहा हाइपर एक्टिव हुआ एक्टिव था बच्चा मैंने अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट वीडियो में उपाय बताया था हाइपर एक्टिव बच्चों के जो क्रोध है उसको नियंत्रित करने के लिए आज इस कुंडली को दिखा रहा हूं आप जरा समझिए इस कुंडली को यह बहुत बड़ी मात्रा में समस्या के रूप में निकल करके आ रहा है एक अटेंशन डिसऑर्डर यह भी बड़ा कमाल का विषय है माँ बाप इतना ज्यादा अपने बच्चे के प्रति अटेंशन रख रहे हैं कि उसी को अटेंशन डिसऑर्डर हो जा रहा है अब वो ध्यान नहीं दे पा रहा है उतना उसका ध्यान ही दे दिया जा रहा है कि वो ध्यान नहीं रख पा रहा है बच्चे सफल तो पहले के भी होते थे ना अब आज परिस्थिति ये है कि भाई माँ बाप करें तो क्या करे एक ही बच्चा है ध्यान न दे तो क्या करे और ध्यान दे तो पचास तरह के रोग एक मैंने जैसे कहा विदेशों में एक और रोग निकल कर के आता है वाणी बहुत देर तक बच्चे ना समझ पाते हैं न बोल पाते हैं शब्दों को नहीं बोल पाते और नहीं बोल पाने के चलते वो भयंकर क्रोध करते हैं तो वो नहीं बोल पाएगा तो क्रोध करेगा ही करेगा उसको ऊर्जा कहीं ना कहीं तो निकालनी ही होगी वाणी में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा उसकी निकल नहीं पा रही तो वो क्रोध में उस ऊर्जा को निकाल रहा है जिम्मेदार हम इस वर्तमान परिस्थिति को मान लें या किसी और चीज़ को और जैसा मैंने कहा कि संभवतः ये रोग पहले भी होता था ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं एकाएक एक आज हमारे लिए बना दिया गया है ये रोग पहले भी होता रहा होगा परंतु तब बस ठीक है उतना ध्यान कोई देने वाला नहीं था और बात बात पर डॉक्टर के पास भी कहाँ भाग करके लोग जाते थे इस तरह की कोई बात हो कि बच्चा ध्यान कम दे रहा है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो कहां कोई भाग करके डॉक्टर के पास जाता था अच्छा एक और बात ये जितने भी हाइपर एक्टिव बच्चे हैं इनके बारे में भी मेडिकली जो राय है वो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे आगे चल करके सफल नहीं हो रहे हैं हर बच्चा आगे चल करके सफल है लेकिन शुरुआती दौर उसका ऐसा है जहां बहुत ज्यादा क्रोध करना इत्यादि अब सवाल ये उठता है कि मैंने अपने कार्यक्रम में इस विषय पर और भी चर्चाएं की हैं मैंने कहा कि जितने भी बच्चे मैंने अब तक पाए हैं संभवतः एक तो डॉक्टरों ने एक लाइन में कहा मेडिकल साइंस इस बारे में यही बात कहता है कि ये कही न कहीं ना कहीं अनुवांशिक है माता पिता में से किसी एक को रहा है उनसे निकल करके आ जाता है संभव है संभव है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है परिवार में किसी को पहले रहा हो फिर बच्चे को भी हुआ हो संभव है पिता को ही रहा हो संभव है माता को ही रहा हो तो ये अनुवांशिक है आप जरा इस जन्म कुंडली को देखिए इस जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं केंद्र के सभी भाव आपको खाली दिखाई पड़ रहे हैं केंद्र हमेशा मैं कहा करता हूं कि जन्म कुंडली की रीढ़ है केंद्र खाली मतलब जन्म कुंडली कमजोर किसी भी जातक के जीवन काल में बहुत ज्यादा उसका एक्टिव होना अर्थात एनर्जेटिक ऊर्जा आप इसे रोग के अति चुकी होता क्या है कि ऊर्जावान होना तो सबके लिए बहुत अच्छा है भाई अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है जा करके पूछिए उन माँ बाप से जिनके बच्चे एक्टिव नहीं है वो बहुत शांत पड़े रहते हैं उनको कहा जाता है तब कुछ करते हैं तो अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो उसमें क्या लेकिन अति सर्वत्र वर्जित अति कहीं हो जाए तो वो वर्जित है तो हाइपर एक्टिव बच्चे ऐसे ही को आवश्यकता से अधिक एक्टिव हो जाते हैं तो उसका कारण मंगल ही है ऊर्जा अब इस बच्चे की कुंडली में अगर आप देखें तो इसका मेष लग्न ग्यारह अंश पच्चीस कला के साथ अश्विनी नक्षत्र है केतु इस नक्षत्र के दशानाथ बनते हैं जो कि भ्रम उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं अब बच्चों के मामले में सदा सदैव कहा करता हूं कि भ्रम उनके लिए तो जहर जैसा ही है लग्नपति मंगल जाकर के कुंडली के लाभ भाव में वैसे तो अट्ठाइस अंश बावन कला के साथ मृत अवस्था में बैठे हैं लेकिन फल वो बारहवें का दे रहे हैं चलित में देखने से पता चल रहा है और नौमांश में वो मिथुन राशि का में बैठे हैं वो ही बारहवें में ही दिखाई पड़ रहे हैं नौमांश में अब एक और पॉइंट आप इस कुंडली की देखिए कि इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रहों में से एक सूर्य को माना जाता है जो कि जाकर के बारहवें भाव में बैठे हैं और साथ ही साथ चंद्रमा पर अगर आप नजर डालेंगे तो जरा गौर करिए कि चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि और सूर्य पर शनि की सातवीं दृष्टि पड़ने का एक सीधा सा मतलब बनता है कि केवल अटेंशन डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिव नहीं वरन ये बालक देर सबेर डिप्रेशन का भी शिकार होने वाला है अब संभव है कि हो ही जाएगा क्योंकि हाइपर एक्टिव है मतलब एनर्जी है और टेंशन डिसऑर्डर होने का मतलब ये दिमाग कहीं पढ़ाई में लगा नहीं पाएगा और बढ़ती उम्र के साथ क्योंकि गौर करिएगा ये देवगण का है और गुरुवार के दिन इसने जन्म लिया है तो महत्वाकांक्षा तो इसकी होगी ही होगी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी महत्वाकांक्षा जागृत होगी अभी मान लीजिए दस ग्यारह वर्ष का हुआ है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी इसकी और जैसे जैसे महत्वाकांक्षा बढ़ेगी वो उन चीजों को हासिल नहीं कर पाएगा फलतः डिप्रेशन का शिकार होगा अब एक दो चीजें और हैं जो इसकी कुंडली को में जरा समझना बहुत आवश्यक है अनुराधा नक्षत्र में इस बालक ने जन्म लिया अनुराधा नक्षत्र के दशानाथ कौन बनते हैं शनिदेव मेष लग्न की कुंडली वृश्चिक राशि पूरी तरह से मंगल से जहां ये प्रभावित है वहां पर दशानाथ पहले बनते हैं शनिदेव जो कि जीवन काल में गति को ही विलंबित कर देते हैं कोई भी चीज वक्त पर वो नहीं होने देते हर चीज वो डिले कर देते हैं अगर आप इसकी चंद्र कुंडली का निर्माण अगर कर लें तो आप पाएंगे कि शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है चंद्र कुंडली के लग्न पर तो हर चीज डिले मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी वाणी भी बहुत विलंब से आई होगी और संभव है कि बहुत साफ सुथरा अभी भी बोलने में इसको तकलीफ होता होगा अब इतनी तो बात थी ही रही सही कसर पूरी कर दी इसको बुद्ध की दशा अब आ गई है अब आप जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में बुद्ध सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह है सामान्य तथ्य तो यही है कि मारक ग्रह है नौमा, चलित देखने से पता चलता है कि ये बुद्ध लग्न का ही फल दे रहा है अब बुद्ध का लग्न का फल देना मतलब नाना प्रकार की व्याधि और परेशानियों से जुड़े रहना अब चंद्रमा मन है सूर्य आत्मा है सूर्य आत्म तत्व पर भी अगर देखें तो शनि की दृष्टि का पड़ना इसको देर सवेर नेत्र रोगी भी बना करके रखने वाला है बाई आंख में लड़के की कुंडली है तो बाई आंख में परेशानी प्रिय दर्शकों अब मैंने कहा था कि आज ये कार्यक्रम मेरे जो ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं उनके लिए जो जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं उनके लिए मैंने अभी इस बच्चे के माता पिता की कुंडली मंगवाई हुई है देखने के लिए क्योंकि वो देखना जरूरी है लेकिन अब आप सबों को मैं बताना चाहता हूं अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई पड़े जरा ध्यान से देखिएगा इस बच्चे के लिए मारक शुरू हो चुका है सत्रह साल जन्म भी एक तरह से इसने मारक में ही लिया है शनि की दशा में अगर देखें तो शनि इसके लाभेश बनते हैं तो छठे से छठा होने के कारण शनि इसके मारक बन जाएंगे मार्केस बनकर के छठवें भाव में बैठे अब सवाल खड़ा होता है कि शनि छठवें भाव में बैठ करके रोग रिपूर्ण से रक्षा करेंगे या उसमें बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा पर दृष्टि और चंद्रमा जन्म कुंडली के अष्टम में बैठा है एक तरह से और भी अरिष्ट की ही स्थिति है अब जरा गौर करिए कि शनि की दशा में इसने जन्म लिया और अभी इसको बुध की दशा शुरू हो गई बुध इसके लिए प्रबल मारक ग्रह बन गया साढ़े साथ ही लगने जा रही है, सो, और, की लगने जा रही है सो, और पहले इसने देखा होगा अब ढैया देखने जा रहा है इतनी सारी परिस्थितियां फिर ऊपर से मैं देख रहा हूं कि इसकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा तो सब पीड़ित है ही डिप्रेशन इत्यादि की स्थिति देखिए अगर ऐसी जन्म कुंडली आपके सम्मुख भी आ रही है तो तत्ण इस जन्म कुंडली के विश्लेषण की कोई खास आवश्यकता नहीं है तत्ण इस जन्म कुंडली के विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या इसके जीवन में मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है एक ज्योतिषी बहुत हद तक मनोवैज्ञानिक और साथ ही साथ वो डॉक्टर तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसने मेडिकल साइंस कभी नहीं पढ़ी लेकिन कमो बेस उसका दृष्टिकोण ऐसा ही होना चाहिए कि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा है तो उसके रोग का संपूर्ण निदान वो ढूंढ सके इस कुंडली में जो भी परेशानी एक साथ इतनी दिख रही है कमो अगर आप इस कुंडली का विश्लेषण करके समझेंगे तो सामान्य शब्दों में तो यही कहा जाएगा इस बच्चे को मार केस चल रहा है यह समय पूरा करना और पार करना ही इसके लिए मुश्किल होगा तो वहां सबसे पहले माता पिता की कुंडली देखिए माता पिता की कुंडली का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है कि क्या उनकी कुंडली में कोई दोष है क्या उन दोनों का पंचम भाव पीड़ित है जैसा मेडिकल साइंस करता है जैसा डॉक्टर करते हैं कि सबसे पहले इस केस में वो देखेंगे कि क्या इनको अनुवांशिक ऐसा रोग इनके माता पिता में किसी को रहा है परिवार में किसी को रहा है ठीक यही काम ज्योतिषी को भी करना होता है वो माता पिता की स्थिति अनुवांशिक तौर पर उनके परिवार में पता करें कि क्या ऐसी स्थिति बच्चों में बच्चे उनके यहाँ और भी कोई रहे हैं उनका विकास किस तरह का हुआ है और कैसा हुआ है क्या उसके पिता ही रहे हैं क्या उसकी माता रही हैं उनका विकास कैसा है इस तरह इस समय वो कैसी स्थिति में है उनको क्योंकि अगर आप देखें तो मेष लग्न का और वृश्चिक राशि का है दो ही चीजें हैं देवगण का होने के चलते अगर क्रोध कम भी करता है तो ये घुटन के फिर शिकार सिका, हो जाएगा घुटने लगेगा अभी तो ये हाइपर एक्टिव है तो क्रोध भी करता होगा आगे चलकर के संभव है कि वृश्चिक राशि के चलते घुटने लगेगा जिसके चलते मैंने डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है तो ये अब देखना होगा कि माता पिता की कुंडली में क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा कि माता पिता की कुंडली ही बच्चों को आगे ट्रांसफर होती है तो माता की कुंडली में और पिता की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है उनकी कुंडली में सूर्य कितना पीड़ित है और उनकी दिनचर्या कैसी है क्योंकि माता पिता की कुंडली में अगर ग्रह खराब है यानी तत्व बिगड़ा हुआ है और उस तत्व को ठीक नहीं किया गया तो आगे ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे में माता पिता ने ठीक नहीं किया तत्व को और बिगाड़ दिया आज के इस परिवेश में देखिए तो 90 प्रतिशत कुंडलियों में आपको चंद्रमा खराब मिलेंगे नब्बे साठ सत्तर प्रतिशत कुंडलियों में आपको सूर्य खराब मिलेंगे क्यों क्योंकि ज़्यादातर लोगों की दिनचर्या खराब है ज्यादातर लोगों की दिनचर्या बिगड़ी हुई है कोई समय पर सोना नहीं समय पर उठना नहीं तो दिनचर्या वो तत्व दर्शा वो जन्म कुंडली के ग्रहों के बारे में मैंने मेरे नजरिए देखिए तो मैं हमेशा तत्व की बात किया करता हूँ ये तत्व है सब वही पंचतत्व जिससे हम बने हैं और इसलिए हम उससे प्रभावित हो रहे हैं तो अब अगर इनके माता पिता की कुंडली में कहीं कोई ऐसा दोष दिखता है उनकी दिनचर्या खराब दिखती है और कहीं गलती से मेरे नजरिए से ऐसे दो और पॉइंट निकल करके आते हैं कि या तो माता पिता की कुंडली में नारी दोष हो नारी दोष एक बहुत बड़ा कारण के रूप में बनकर के निकल करके आता है कि ऐसी अवस्था में अगर उनको बच्चा हो जाए तो फिर उस बच्चे को का या तो सुख नहीं देखेंगे या बच्चा बहुत लंबी काल लंबे समय तक लंबी अवधि तक किसी ना किसी भयंकरतम रोग से वो जूझता रहेगा ये है तो रोग ही जूझता रहेगा तो पहला काम माता पिता की कुंडली को देखना उनकी कुंडली को समझना क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए जब भी आप किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं जब आप सामान्यतः इस कुंडली को क्या आप समझेंगे मैं तो सामान्यतः जानता हूं कि कुंडली बहुत कमजोर स्थिति की ही और खराब ही है और सही बात बताऊं तो जब इस कुंडली को मेरे पास भेजा गया तो ये लाइन साफ साफ वहां लिखा हुआ था कि कई सारे ज्योतिषियों को दिखाया गया उन्होंने कहा महा खराब कुंडली है मैं ज्योतिषियों की कुछ हद तक इत्तेफाक तो रखता ही रखता हूं कि कुंडली खराब है लेकिन कुछ मामले में मैं इसको अलग नजरिए से देखता हूं मैं सबसे पहले इस बात को पूछता हूं मां बाप से भी पूछता हूं आप क्या करते हैं आप भी पूछिए समझिए एक बात जरा समझने की आवश्यकता है मान लीजिए इस बच्चे के पिता वर्तमान में करोड़पति है या अच्छा खासा उनका बिजनेस है या अच्छी खासी उनकी नौकरी है किसी बड़े पद पर है तो उनके घर में इसका जन्म लेना इसको क्या अभागा सिद्ध कर सकता है फिर तो अगर एकदम अभागा ही है तो किसी घसियारे और रिक्शे वाले के घर में इसको जन्म लेना चाहिए था अगर किसी ऐसे घर में इसने जन्म लिया है तो पहली बात तो यही प्रसिद्ध हो गई कि भाग्य इसके पास है तभी तो, तो उस घर में आया है कि सोने की चम्मच जन्म लेते ही मुंह में डाली जाए जो चीजें उसको चाहिए तत्ण तो मिल जाए अरे सीधी से मैंने क्या कहा कि अटेंशन डिसऑर्डर इतना अटेंशन दे दो कि उसको डिसऑर्डर तो होने होना है वैसे तो आमतौर पर अटेंशन डिसऑर्डर होता है कि बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता लेकिन इतना उस पर ध्यान दे दिया जाता है कि वो अब ध्यान नहीं लगा पाता तो इतना ध्यान दिया जाने योग्य घर में पैदा लिया है तो अभागा तो हो नहीं सकता हां हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि माता बच्चों को अगर कष्ट हो रहा है बच्चा अगर कष्ट से जूझ रहा है तो प्रकृति यह दंड उस बच्चे को नहीं दे रही है यह बात कभी नहीं भूलना है कि अगर बच्चा कष्ट में है एक तरह से कष्ट ही है इसको भले ना समझ में आए कि ये क्या करें क्योंकि है तो बालक है अभी तो वर्ष के बच्चे छोटे ही होते हैं तो अगर बच्चे को कष्ट हो रहा है तो यह उसको दंड नहीं है यह मूलतः दंड माता पिता को है क्यों प्रकृति दंड दे रही है क्यों दंड दे रही है यह अभागा नहीं है यह बिल्कुल ध्यान रखा जाए यह अभागा नहीं है और मां बाप को भी जरा देख लीजिए कई साल साल बीत जा रहे हैं आजकल बच्चे होने में और मिन्नतों के बाद जब बच्चे हो रहे हैं तब ऐसी स्थिति निकल करके आ रही है तो उनको भी मैं अभागा नहीं क्योंकि उनको तो बच्चा ही नहीं था हुआ तो उस अवस्था में तो फिर भाग्यवान ही सिद्ध हुए कई तरह के उपाय और क्या क्या जड़ी बूटी सूंघने और खाने के बाद जब बच्चे हुए तो बच्चा हुआ तो तो भाग्यवान ही हुए ना अभागे तो वो भी नहीं कहे जा सकेंगे पर प्रकृति दंड दे रही है उनको क्यों उस क्यों को ढूंढिए पहले उनकी कुंडली में और तब फिर कोई उपाय उनके लिए करिए इसके लिए बहुत उपाय की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसके जो भी रोग हैं मैं पहले कह चुका हूं कि मैं मेडिकल साइंस को बहुत नहीं जानता लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ऐसे बच्चों को कभी भूल के भी कोई दवा तो नहीं देनी चाहिए हालांकि जानता हूं कि मेडिकल में भी ऐसी कोई दवाएं दी नहीं जाती हैं बच्चों को प्राय उन पर ध्यान रखा जाता है उनको विशेष सिखाया जाता है उनको शांत रखने का सिखाया जाता है लेकिन मेरी राय तो यही है कि मैंने अभी कुछ दिन पूर्व आपको बताया था कि अगर ऐसी स्थिति दिखाई पड़े किसी बच्चे में तो उसके मंगल को उससे अलग कर दीजिए उसके मंगल को अगर हम अलग कर देंगे कमजोर कर देंगे या थोड़ा दबा देंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रवाहित हो रही है वो शांत हो जाएगी और उसी के लिए मैंने कहा था कि लाल रंग के वस्त्र से बिल्कुल दूर करिए सफेद रंग का उसको चंदन लगाइए समय पर उसका सोना समय पर उसका जगना कम से कम ये निर्धारित करिए राहू को दूर करिए राहू हेट मोबाइल टीवी इंटरनेट ये राहू है राहू के चलते मंगल को और राहु और केतु के चलते मंगल को बल ऊर्जा अंगारक योग जो बन रहा है जिसके चलते उसकी दिशा दशा सब बदल रही है भटक रही है तो उससे कहीं ना कहीं अगर हम नियंत्रित कर लें तो संभव है कि इस बच्चे को हम सही दिशा दे सकते हैं तो किसी भी घर में हो पहला तो बच्चे के लिए सामान्य यही उपाय है मूल है उसके माँ बाप की आपको यह समुक्ष इस कुंडली को लाने का उद्देश्य इतना ही था कि ऐसी कुंडली दिखे तो सबसे पहले माता पिता की कुंडली को समझिए माता पिता की कुंडली खराब हुए बिना बच्चे की कुंडली खराब नहीं हो सकती या माता पिता ने खराब किया है उनकी दिनचर्या खराब हुई है और फलतः इस बच्चे के तत्व बिगड़े हैं बस इतना है। अगर उनका हम ठीक करें अब बदल नहीं जाएगा वो तत्व तो प्रवाहित हो चुका है लेकिन उनका हम ठीक करें तो धीरे 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 इसकी भी चीजें ठीक होंगी संभव है कि इसकी भी चीजें ठीक होंगी टाइम जरूर लगेगा बाकी इस कुंडली में अगर देखा जाए तो समय समय पर इस बच्चे के लिए माता पिता दो तीन उपाय अभी तो ये छोटा है शिव मंदिर में जाए शिवजी को दूध चढ़वाएं सोमवार के सोमवार पूर्णिमा का व्रत माता पिता में से जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है वो करें और इसके लिए संकल्प कर कर करें नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा इसके लिए माता पिता में से जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब है वो होगा इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है देख रहे हैं एक भी पक्ष है दो दो पक्ष ऐसा दिख रहा है तो वो जरूर करें उससे फायदा मिलेगा एक अच्छी बात यह है कि इन दोनों में से माता पिता में से इसके जिसके भी चंद्रमा खराब होंगे वो कहीं कही ना कहीं एक पक्ष जरूर ठीक ठाक कर रहा होगा क्योंकि गुरु की भी दृष्टि चंद्रमा पर है बड़ा कमाल है ज्योतिष ज्योतिष को चूंकि ये समय हमारा निर्धारित होता है बड़ा कमाल है जब जितना गहराई में जाएंगे आपको पता चलेगा कि एक उसमें सब देखिए यहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है शनि की दृष्टि है चंद्रमा नीच का है तो चंद्रमा तो दोनों में खराब है लेकिन या तो माता के साथ जो भी अच्छा कर रहा हो माता या पिता में से दोनों कोई एक या पूजा पाठ के जरिए कोई कर रहा हो जिसके चलते इसके गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर होने के चलते चंद्रमा में बल तो जरूर आ रहा है लेकिन वो चंद्रमा इतना भी बढ़िया नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं माता पिता की इन्होंने खूब सेवा की है माँ की सेवा की है दिनचर्या इनकी ठीक है फलतः ये गड़बड़ी तो है ही है तो ये उपाय जो मैंने कहे हैं इन उपायों को करके इस बच्चे को तो रास्ता पर लाया जाए परंतु माता पिता की कुंडली वो बिना समझे कोई भी उपाय इस बच्चे के कराने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि सारा दंड सारा उपाय माँ बाप के लिए ही है तो प्रिय दर्शकों आप इस जन्म कुंडली के संदर्भ में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है वैसे कोई मतलब तो ज्यादा है नहीं पर कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए आपके सम्मुख यदि या आपके घर में अगर ऐसा कोई बच्चा है तो तत्ण उसके माता पिता की कुंडली को देखा और समझा जाए अभी से ताकि आगे सुधारा जा सके और ठीक किया जा सके बच्चे अगर देश की भविष्य है हमारा भविष्य है तो उन्हें ठीक तो करना ही होगा आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार